स्टूडेंट्स करेंगे रॉबिन्सन क्रूज का चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज और इसके हम तकरीबन कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन मैंने जो टीयर डायरी है वो आपके लिए छोड़ी है, वो क्योंकि सब बच्चे अपनी अपनी करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से ऑफ चैप्टर नंबर 7। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कम्प्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ विद सेंटेंसेस और ए टू आपको ई यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हम कर लेते हैं इसकी रीडिंग। व्हाट रॉबिन्सन वांटेड टू मोस्ट ऑफ ऑल वाज, अगर वो आइलैंड पर था तो वो सबसे ज़्यादा क्या चाहता था, वो वहाँ से निकलना चाहता था। तो हम इसका करेंगे अपना पार्ट डी टू गेट ऑफ द आइलैंड। और आगे है कि सो ही ट्राई टू मेक अ कनोए और उसने इसके लिए कश्ती बनाई। एट फर्स्ट ही मेड द मिस्टेक ऑफ मेकिंग अ कनोए दैट वॉज टू हैवी, वो इतनी बड़ी उसने बना ली जब पहली दफ़ा बनाई कि उसको क्या करना मुश्किल था, टू गेट इन टू द वाटर, यानी यहाँ पर सी वाला जो है वो ऑप्शन आएगा। ही ट्राइड डैश, फिर उसने क्या सोचा, टू मेक अ स्लोप, कि वो एक स्लोप बना ले, इसमें आएगा ऑप्शन ई, टू स्लाइड द बोट टू द शोर, ताकि वो स्लाइड करके शोर तक किनारे तक बोट को ले जाए। बट दैट प्लान डिडंट वर्क आइदर, लेकिन उसका ये हरबा काम ही नहीं आया। देन ही थॉट ऑफ डिगिंग अ कनाल, तो उसने सोचा फिर मैं एक कनाल जो है ना नहर सी बना लेता हूँ, उसको क्या करूँगा, टू फिल विद वाटर एंड गेट हिज बोट टू सी, और मैं उसको भर लूँगा पानी के साथ और उसको ले जाऊँगा समुंदर के किनारे तक। तो इसके लिए उसने यहाँ पे क्या किया, टू फिल विद वाटर एंड गेट हिज बोट टू सी, और ये ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी यहाँ पर। फिर क्या हुआ, बट दैट वुड टेक 12 ईयर्स टू बी कम्प्लीट, सो ही गेव अप ऑन द आइडिया एंड मेड अनदर स्मॉलर कैनोए, और यहाँ पर लास्ट हमारा आ जाएगा टू सेल अराउंड द आइलैंड। फिर उसने अपना ये आइडिया भी स्किप कर दिया क्योंकि उसको पता था कि 12 साल लग जाएंगे मुझे ये कनाल खोदने में और पानी लाने में, तो इससे बेहतर है कि मैं एक छोटी किश्ती बना लूँ। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1, और इसके आंसर्स जो हैं वो मैंने राइट डाउन करके आपको दे दिए हैं यहाँ पर। और ये जो क्वेश्चन 2 नज़र आ रहा है ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना हम इसे आगे करने लगे हैं। तो आप जिस बच्चे ने भी इस तरह ऑप्शन को देख के उतारना हो तो वो ऐसे भी इसको राइट डाउन कर सकते हैं ऑन योर बुक्स। तो कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 विच इज़ शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड रॉबिन्सन क्रूज यूज टू मेक हिज कनोए, और अब मैं क्वेश्चंस नहीं पढ़ूंगी, मैं 1, 2, 3, 4, 5 बोलूंगी। आंसर है इसका, ही कट डाउन अ ट्री एंड यूज इट्स ट्रंक टू मेक हिज कनोए। सेकेंड वाला है कि वो किस बात के लिए थैंकफुल था अपनी एनिवर्सरी के डे के ऊपर, तो ही फेल्ट थैंकफुल एंड हैप्पी ऑन द डे ऑफ हिज एनिवर्सरी एंड एवरी ईयर ही celebrated because he got new life after escaping death on this island, a life different from everyone. और इसके आगे आप ये लिख सकते हैं कि everyone on that day, ठीक है ना, तो वो इस चीज़ को celebrate करता था कि ये वो दिन था कि उसको सबसे अलग life जीने को मिली थी, और ऐसी life जो इसके अलावा दुनिया में और किसी इंसान को एक्सपीरियंस करने को नहीं मिली, और उसको एक ये नई ज़िंदगी मिली थी इतने खूबसूरत आइलैंड को एक्सप्लोर करने में और वहाँ अपना वक्त गुजारने में। तो आगे हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी है वहाँ पर कि भी वो वॉयज के लिए निकला था तो उसको क्या मुश्किल पेश आई थी जब वो पहली दफ़ा अपनी छोटी कनोए के अंदर बैठ कर गया था। तो ही वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द शोर अराउंड द आइलैंड, बट वेन ही स्टार्टेड हिज वॉयज टू द ईस्ट ऑफ द आइलैंड ही केम अक्रॉस अ वेरी डेंजरस सिचुएशन एज देर वर लार्ज रॉक्स एंड हाई स्ट्रॉन्ग वेव्स नियर द कोस्ट मेक हिज जर्नी मोर डिफिकल्ट। और उसको काफ़ी मुश्किल पेश आई थी जब वो ईस्ट की तरफ निकला था पहली दफ़ा अपनी कश्ती लेकर, ताकि वो एक्सप्लोर कर सके सारे किनारे जो है ना इस आइलैंड के अपने इसके लिए कि वो अपना सफ़र का आगाज़ कौन से वाले किनारे से बेहतर तरीके से कर सकता है। लेकिन क्या हुआ कि जैसे उसने ईस्ट की तरफ सफ़र अपना पहला सफ़र शुरू किया, जो वॉयज होती है ना वो पानी में सफ़र को कहते हैं, ठीक है ना, ट्रैवलिंग जो होती है वो आप बाय रोड करते हैं और जो पानी में करते हैं वो वॉयज होती है, ये आपने याद रखना है। तो ईस्ट की तरफ जब वो गया तो उसको सामने बहुत डेंजरस जो है ना रॉक्स मिली पानी के अंदर, और बहुत बड़ी बड़ी वहाँ लहरें थी जो कि उसकी जर्नी को जो है ना डिफ़िकल्ट बना सकती थी और उसको नुकसान पहुंचा सकती थी और लाइफ थ्रेटनिंग थी ये, ठीक है ना। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि इट वॉज ऑल्सो लाइफ थ्रेटनिंग। तो बस ये इसका आंसर था। आप कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में है कि कौन था जो उसको आवाज़ें दे रहा था उसकी हट में, जब वो थक हार कर आकर डर कर लेटा था अपने हट के अंदर, तो हिज पैरट पॉल वॉज कॉलिंग हिज नेम एट द हट, तो वो उसका तोता ही था जो उसको आवाज़ें दे रहा था। तो इसका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही वॉज डिसाइडेड टू कॉट फ्यू वाइल्ड गॉड्स एंड टेम देम,
वो ये उस क्वेश्चन का आंसर है कि जब उसका गन पाउडर रन आउट हुआ था तो वो क्या चाहता था कि मैं शिकार करने के लिए मुझे तो बहुत परेशानी होगी, तो उसने ये सोचा कि मैं क्यों ना कुछ वाइल्ड गॉड्स को जो है ना वो टेम कर लेता हूँ, कैट को पकड़ लेता हूँ और फिर उनको टेम कर लेता हूँ। आप इससे अगर डिटेल में लिखना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, लेकिन इसका काफ़ी इतना आंसर से अपना क्वेश्चन नंबर 6 है। ही सॉ लार्ज फुटप्रिंट्स ऑन सैंड, उसने सैंड के ऊपर क्या देखा था जिससे वो डर गया था, ये वाला क्वेश्चन है ये। तो ही सॉ लार्ज फुटप्रिंट्स ऑन सैंड एंड ही थॉट दैट समवन हाइडिंग ऑन द आइलैंड एंड वॉचिंग हिम और मे किल हिम एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग ही हैड। तो वो यही सोच रहा था ना कि मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, आई एम नॉट अलोन ऑन दैट आइलैंड एंड समवन एल्स आर ऑल्सो लिविंग ऑन दिस आइलैंड एंड ही वॉज स्टिल वॉचिंग मी एंड चेजिंग मी और एंड ट्राई टू किल मी और हार्म मी और वो तबाह करना चाहता है जो कुछ मैंने बनाया। तो बस आप अपने से भी जो ऐड कर सकते हैं वो कर लें, क्योंकि फिर बेहतर होता है कि अगर आप ख़ुद से अपने वर्ड्स में जो है ना इसको एक्सप्लेन करें। तो ये मैं आपकी हेल्प के लिए ये मैं अपलोड करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको कॉपी करके तो आगे लिख दें, कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप इसमें से आइडिया ले सकते हैं इन क्वेश्चन आंसर्स में से। अब हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीट, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो मैंने राइट डाउन करके दिए थे ना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक पेज के ऊपर शुरू इससे शुरू में है, तो वो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स हैं। और क्योंकि 2 के जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वो मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो जिसने भी वहाँ से देख के करना हो तो वहाँ से देख के कर ले। देयर इज़ अ ट्री इन मैक्सिको विद अ ट्रंक ओवर 30 मीटर्स वाइड। तो यहाँ पर हमने लिखना है ट्रंक जो कि 30 मीटर चौड़ी थी। सैली डिडंट स्टडी ऑल ईयर एंड हर एफर्ट टू स्टडी एवरी थिंग टू जस्ट अ फ्यू डेज एंडेड इन फेलियर। तो जो उसने सारा साल ही नहीं पढ़ा तो जो थोड़ा बहुत पढ़ा तो वो उसको फेलियर ही मिलना था ना, तो उसको कामयाबी नहीं मिली। यहाँ पर ये हम सब कुछ जितने आंसर्स हैं हम बुक में से कॉपी कर रहे हैं। इन द मिडल ऑफ द नाइट अ लाउड नॉइज अवेकन अस फ्रॉम ओवर स्लीप, हमारी नींद से हमें जगा दिया एक अजीब सी लाउड आवाज़ ने। द टीचर वॉन्टेड टू द चिल्ड्रन, वो टीचर चाहती थी कि चिल्ड्रन जो है ना टू हरी अप एंड कम टू द बस, जल्दी करें और बस की तरफ आ जाएं, बट दे वर टू फार अवे टू हेयर हिम, लेकिन वो तो उसकी सुन ही नहीं रहे थे। द होटल इज़ कन्वीनियंटली लोकेटेड नियर द ट्रेन स्टेशन। ये सब आंसर्स जो है ना इसके आपने बुक में से आप कर लीजिएगा, लेकिन मैंने आगे भी क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो मैंने लिख कर आपको दिया हुआ है, अब वहाँ से देख कर कर लें। आगे आ गया है गजेल थिंक्स शी वो विल विन द रेस बट आई हैव माई डाउट्स। अब उसने कहा कि वो गजेल जो है सोच रही है कि वो जीत जाएगी, लेकिन मुझे थोड़े से शक है कि शायद वो ना जीते रेस के अंदर। तो ये थे इसके आंसर्स। अब मैंने यहाँ आंसर्स नहीं लिखे, मैं अगेन आपसे यही कह रही हूँ कि मैंने शुरू में जो आपको पेज दिखाया है ना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के आंसर्स का, वहीं वो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स हैं, तो वहाँ से आप लिख लीजिएगा इसके अंदर। नहीं तो आप मेरी ऑडियो तो सुन ही रहे हैं, तो ख़ुद से राइट डाउन कर लें अपनी बुक्स के अंदर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ जी, 4 की तरफ जाएंगे आपके, और यहाँ पर है हमें चूज़ करना करेक्ट वर्ड। विनस इज़ वेल नोन फॉर इट्स कैनाल्स और स्ट्रीम। तो वहाँ पर स्ट्रीम नहीं है, स्ट्रीम बहुत छोटी होती है, कैनाल थोड़ी सी नहर होती है, बड़ी होती है, तो कैनाल आएगा यहाँ पर। एट द वाटर पार्क देर आर मैनी राइड्स दैट यू कैन डिग और स्लाइड डाउन। तो स्लाइड डाउन करेंगे आप, डिग डाउन नहीं करते, आप स्लाइड करते हैं राइड्स को। एंड डेस्परेट और विलिंग फॉर हेल्प, तो आप विलिंग नहीं होते हेल्प के लिए, आप डेस्परेट होते हैं कि आपकी कोई मदद करे, आप बेचैनी होती है आपको। वो लड़का जो था ना, द ओल्ड बॉय क्राइड आउट लाउडली एज ही कुड सी पीपल। यहाँ आगे मुझे पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि लिखा नहीं हुआ, इसमें कट डाउन हुआ हुआ वो, तो यहाँ पर डेस्परेट आएगा। अ सी वॉयज ट्रेवल माई टेक लॉन्गर, तो मैंने आपको बताया था कि जो समंदर में पानी में जो हम सफ़र करते हैं वो वॉयज कहलाता है, और ट्रैवलिंग जो होती है ना वो ऑन द रोड होती है। आगे हम पढ़ते हैं, लुगैन वॉज अ गुड स्विमर बट ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू स्विम अगेन द स्ट्रॉन्ग करंट और शोर। शोर होता है किनारा, करंट होती है बहुत हाई वेव्स, स्ट्रॉन्ग वेव्स, तो हम इसमें करेंगे करंट को। ट्रेसी वॉज एगर सरप्राइज टू स्टार्ट यूनिवर्सिटी एज सून एज शी फिनिश हाई स्कूल। तो वो क्या थी, एगर थी, बहुत बेचैन थी और बहुत कीन थी कि बस जल्दी जल्दी जो है ना मेरी ये स्टडीज़ फिनिश हों और यूनिवर्सिटी की, तो उसको हाई स्कूल की, तो मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँ।
they had to abandon trap their car at the side of the road and continue their journey on foot. तो trap नहीं करते, ये abandon है. abandon का मतलब होता है छोड़ देना. तो उन्होंने अपनी गाड़ी को छोड़ दिया रोड के साइड पर और पैदल सफ़र करने लगे. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और उसको मैंने यहाँ जो है ना उसकी पिक्चर नहीं डाली है क्योंकि आपकी बुक्स में है, मैंने सिर्फ उसके आंसर्स दिए हैं. तो 1, 2, 3, 4 के हिसाब से जो है ना आप उसको चेक कर लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है. तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, विच इज़ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. और ये क्वेश्चन 4 के आंसर्स हैं. अगर आपने यहाँ से देख के करने तो यहाँ से कर लें. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5. येस दिस हैपन टू मी बट आई मैनेज टू बी काम बिकॉज इन माई ओपिनियन एवरी वन फेल्स फ्राम टाइम टू टाइम बट फॉर सम पीपल फेलियर इज़ नॉट अ डिज़ास्टर एज दे लर्न हाउ टू टर्न फेलियर इन टू अ मोर पॉजिटिव सक्सेस. सक्सेस इज़ गुड बट फेलियर इज़ बेटर. सो आई नेवर गिव अप होप एंड टेक अ न्यू स्टार्ट एवरी टाइम. तो आप इसमें वो यही पूछ रहे हैं कि अगर आप फेल हो जाते हैं, क्या फेल होने के लिए कोई काम करते हैं? तो कोई बात नहीं है, अगर आप ट्राई करते हैं बार 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 करते हैं तो आप इन्हेंस करते हैं अपने काम को, और जब लास्ट जब आप टर्न लेते हैं अपनी, तो वो उसमें आपका काम बहुत ही खूबसूरत होता है. जो भी मिस्टेक्स होती है ना वो आपको समझ आ जाती हैं और फिर आप वो दोहराते नहीं हैं. तो ये इसका आंसर है. आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और इसमें आप अपने से भी लिख सकते हैं मर्जी इसको, और मज़ीद आप थोड़ा लेंथी करना चाहते हैं, जो भी ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं. तो यहाँ यही है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं मैनेज करता हूँ अपने आप को, मैं पुरसकून रखूँ, और क्योंकि फेलियर तो हर हर बंदे से गलती होती है, वो कभी ना कभी फ़ेल होता है फिर सक्सेस हासिल कर लेता है. तो फेलियर बुरी चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फ़ेल हुए तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया आपका. आप दोबारा से कोशिश करें, आप कोशिश करें कि आप उस फेलियर को किस तरह चेंज कर सकते हैं इनटू सक्सेस, कामयाबी की तरफ किस तरह लेकर जा सकते हैं, क्योंकि कामयाबी बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन फेलियर भी अच्छा होता है, आपको बेहतर कामयाबी दिलाता है. तो आगे चलते हैं. आई नेवर गिव अप इजीली व्हेन देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी. आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट अ बेटर सोल्यूशन टू गेट आउट फ्रॉम द वर्स्ट सिचुएशन. और उन्होंने कहा कि क्या आप गिव अप कर देते हैं आराम से, हिम्मत हार जाते हैं जब कोई परेशानी आती है? तो यह हम कह रहे हैं कि नहीं, हम इतनी जल्दी आसानी से हार नहीं मानते और हमेशा कोशिश करते हैं कि हम जिस अजीब सिचुएशन में या बुरे हाल में हैं हम उसमें से बाहर निकलने का कोई सलूशन ढूंढें, बजाय इसके कि हम हिम्मत हार कर बैठ जाएं और हम कोशिश करें. तो ये इसका आंसर है, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी आंसर, अगर आपने अपने से करना है और तो वो आप कर सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि वो क्यों डर गया था, वो उन फुटप्रिंट्स को देख के वो क्या सोच रहा था. बिकॉज ही थॉट दैट दे, वो आपने ना शुरू में वो लाइन लिख लेनी है कि वो इस जब उसने फुटप्रिंट देखे तो वो डर गया. बिकॉज ही थॉट दैट दे वर मस्ट बी नेटिव्स और वाइल्ड मैन फ्रॉम द आइलैंड. इस बच्चे में ना बच्चे ने कुछ मिस किया हुआ है, तो हाँ मैं जो बोल रही हूँ काइंडली उस पर तवज्जो दीजिएगा. अब मैंने बोला है बिकॉज ही थॉट दैट दे वर मस्ट बी नेटिव्स और वाइल्ड मैन, और मैन में आपने MEN लिखना है, ठीक है, फ्रॉम द आइलैंड हु चेज हिम एंड वॉन्टेड टू किल हिम. इफ आई वॉज इन हिज प्लेस आई ऑल्सो बिकम फ्राइटेंड एंड एक्ट सेम टूवर्ड्स द सिचुएशन. और मैं भी अगर इसकी जगह होती तो मैं भी बिल्कुल ऐसी बिहेव करती ना, कि मुझे भी डर होता क्योंकि मेरे पास तो कोई ख़ास हथियार नहीं थे और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी. अगर वो जंगली लोग होते या वहाँ के लोकल्स होते तो मुझे पकड़ लेते, पता नहीं मेरे साथ क्या सलूक करते. तो बस इसका ये आंसर बनता है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या वो कंपेनियनशिप चाहता था, तो अगर वो कंपेनियनशिप चाहता था तो उसको डर किस बात का था? तो ही वॉन्ट अ कंपेनियन हु हेल्प हिम टू गेट ऑफ फ्रॉम दिस आइलैंड. वो इसलिए कंपेनियनशिप चाहता था कि उसको इस आइलैंड से निकलने में वो बंदा जो है उसकी मदद कर सकता है. बट ही वॉज अफ्रेड वेन ही थॉट दैट हाउ द पीपल बिहेव आफ्टर सीइंग हिम, मे बी दे बिकम गुड फ्रेंड्स और मे किल हिम एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग ही हैड ऑन दिस ऑन द आइलैंड. तो उसने सोचा कि मुझे साथी की ज़रूरत तो है, लेकिन ऐसा ना हो कि पता नहीं मुझे जो मिले वो किस तरह का हो, वो मेरे साथ दोस्ती करे या मुझे मारने की कोशिश करे और मेरी जो चीज़ मैंने यहाँ बनाई है अपना हार्ट और वो तोता और वो फसलें वो सब तबाह कर दे. अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं. आई थिंक ही विल बी सेम एज रॉबिन्सन प्रिजनर हु एस्केप्ड फ्रॉम डेथ एंड फाइंड दैट आइलैंड
सेफ फॉर लिविंग एंड वो स्टार्टेड लिविंग ऑन द अदर साइड ऑफ द आइलैंड. तो उससे पूछा है कि क्या आप समझते हैं कि ये कौन होगा जिसके फुटप्रिंट उसने देखे हैं. तो हमारे ख्याल से शायद ये भी एक प्रिजनर ही हो सकता है, जिस तरह रॉबिन्सन इस्केप करके आया था, अपनी जान बचा कर आया था उस मोरोकन स्लेवरी में से. तो हो सकता है कि ये भी एक स्लेव ही हो और वो भी रॉबिन्सन की तरह अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए इस आइलैंड तक पहुंच गया हो. तो बस ये इसका आंसर था. होपफुली मैंने को मुझे उम्मीद है कि आप ये जो है ना एक्सरसाइज की आपको अच्छे से समझ आई होगी, और मैंने कोशिश की है कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ. अपना खूब ख्याल रखिएगा. अल्लाह.